सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, मुझे रेगुलर टूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता रहता है कि बजट बहुत कम है और उस बजट में कौन कौन से टूल्स परचेस करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर बजट बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बजट बनाया कि 250 रुपये मुझे खर्च करने हैं और 250 रुपये के अंदर मैं जितने भी टूल्स होंगे वो मैं परचेस करने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, तो वीडियो के बीच में आपको पता चलेगा कि सरप्राइज़ क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बजट बना लिया, उसके बाद यहाँ पे लाइन से मैंने लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो पेपर, जहाँ पे आप सारी चीज़ें ड्रॉ करोगे। उसके बाद हम जाएंगे पेंसिल की ओर। तो सेकेंड नंबर पर मैंने रखा पेंसिल, कि पेपर के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की। उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी इरेज़र की, और इरेज़र के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल को शार्प करने की। तो ये भी बहुत इसेंशियल, जितने भी टूल्स मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे सारे इसेंशियल है। बहुत एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि बजट हमारा बहुत टाइट है यहाँ पे। तो उसके बाद जाएंगे हम सीधा ब्लेंडिंग टूल के ऊपर, क्योंकि अब जब आप शेडिंग करोगे तो वहाँ पे ब्लेंड करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो पेपर में मैं कार्ट्रिज शीट की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आइवरी के साथ जाऊँगा तो मेरा बजट बाहर हो जाएगा। कार्ट्रिज पेपर भी बहुत सही होती हैं, आपको मार्केट में 1 रुपये में एक मिल जाएगी। अगर आप 50 पेपर लेना चाहते हो तो 50 से 70-80 के बीच में पड़ेगा, वो तो मार्केट जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं इस्टीमेट कर रहा हूँ। और पेंसिल में मैं आर्टलाइन और डोम्स को सजेस्ट करूँगा, आप कोई भी ब्रांड में चले जाओ, बट मेरे हिसाब से इस रेंज में ये दोनों पेंसिल बहुत अच्छे हैं। तो जो भी मुझे मार्केट में ये दोनों के जगह देखता हूँ कि कौन सा पेंसिल मुझे मिलता है जिस भी शॉप पर मैं जाता हूँ। उसके बाद इरेजर तो आपको पता है 10 से 20 में आ जाएगा, शार्पनर भी 10 से 20 में, नॉर्मल से शार्पनर या फिर इसके जगह पे कटर आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं शार्पनर ले रहा हूँ। ब्लेंडिंग टूल में सबसे पहले मैं जाऊँगा ब्लेंडिंग स्टम्प पे, जिसकी प्राइस 50 से 70-80 के बीच में आपको पड़ता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं रखूँगा बड्स को, जो कि बड्स अलग अलग प्राइस रेंज में आता है, 10 रुपये से स्टार्ट होता है, 20 का भी मिल जाएगा, 30 का भी मिल जाएगा। तो बड्स पे हम जाएंगे। उसके बाद टिश्यू पेपर भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपका आ जाएगा। ब्रश भी, ब्रश यहाँ पे मैंने परचेस नहीं किया क्योंकि ब्रश अलग से आपको मिलता नहीं, पेंट ब्रश को काट के आप बना सकते हो, बट जो मेकअप ब्रश जिससे ब्लेंडिंग अच्छी होती है ना, वो अलग से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है, और उसका मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक से बजट बना लिया। अब मैं ऐड कर लेता हूँ कि कितने के बीच का एस्टिमेट हमारा आया है। तो यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट जो भी आप देख रहे हो, जिसमें मैंने कम से कम प्राइस कंसिडर करी है, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम मेरा 200 रुपये लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 330 तक, मतलब ये समझ लो कि 250 से 300 के बीच में मैं रहूँगा। तो यहाँ से सीधा मैं जाता हूँ स्टेशनरी शॉप, और वहाँ पे हमारा बजट तय हो गया कि हम 250 से 300 के आसपास रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ जो लिस्ट मैंने बनाई थी उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैंने परचेस करी हैं। और ये जो शॉप है वो इंदौर में है, तो मैं एड्रेस दे दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सारे मटेरियल जो हैं वो निकल के आ गए। यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिया था, चारकोल, क्योंकि वहाँ पे मैंने चारकोल ऐड नहीं करी थी। तो जब मैं स्टेशनरी शॉप पे गया तो वहाँ पे मुझे याद आया कि चारकोल भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे बजट में सेट हो गया। तो मैं यहाँ पे बिल भी दिखा देता हूँ कि हमारा बिल जो है वो कितना का बना है। तो बिल हमारा 261 रुपये का बना है, जो कि बजट में बढ़िया फिट होता है, 250 से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर मैं सारे मटेरियल में लेकर आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सरप्राइज़ आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सारे मटेरियल जो मैं लेकर आया हूँ वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ फटाफट से। ओके, तब हम बात करते हैं सरप्राइज़ की। तो सरप्राइज़ ये है कि जितने भी मैंने 250 का बजट बनाया था तो वो एक सेट हो गया, जिसमें पेपर, पेंसिल और सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। सेम टू सेम सेट मैंने 3 लिए हैं। यहाँ पे पेपर देख लो, 3 है, पेंसिल 3 है, इरेजर 3 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 3 सेट लिया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ड्राइंग मटेरियल्स, वो आप में से 3 लोगों को मिल सकता है, आप में से 3 व्यूअर को मिल सकता है। आपको कुछ करना, बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। वीडियो को देखा आपने, पूरा देख लो, उसके बाद आपको वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट से ही आप सेलेक्ट किए जाओगे। रैंडम कमेंट पिकर से मैं पिक करूँगा, और उसके बाद मैं विनर अनाउंस करूँगा नेक्स्ट वीक। ओके, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने परचेस करी हैं वो अपने हिसाब से परचेस करा है। अब आपको करना है क्या है कि कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ जाके बताओ कि कौन सा ऐसा टूल है जिसको मुझे ऐड करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया, मुझसे छूट गया। बहुत सारे हो सकते हैं कि ऐसे टूल्स भी होंगे
जिसको ऐड करना चाहिए था, जो कि बजट में भी फिट होता और इसेंशियल भी टूल था, वो रह गया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना, और जिनका भी कमेंट मुझे लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली में मुझे ऐड करना चाहिए था, उनका कमेंट मैं ज़रूर पिन करूँगा। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।